अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत होंगे। तो जी बच्चे मैंने छोड़ दिए हैं स्कूल और उनका नाश्ता वगैरह लंच वगैरह दे कर आना है मैंने, और अभी सुबह सुबह का है टाइम। और अभी क्योंकि आज है छुट्टी, जुम्मा है और जुम्मे आज जुम्मे की भी तैयारी करनी है। और एक तो बच्चों ने क्या क्या चीज़ें जो है ना यहाँ पर रखी हुई होती हैं और कोई भी चीज़ पैर के नीचे आ जाती है, तो पानी पी देना। सॉरी मैंने नीचे छोड़ दिया और ज़ोर से गिर गया, तो पानी मैंने नीचे अभी देना है पौधों को। और टैंकी, असल में माजरत के साथ हमारी मोटर चल रही है इस वक्त और टैंकी भी तकरीबन फुल होने वाली है। और तो जी माशाल्लाह जो है हमारी मैडम इस वक्त जो है खून पी रही हैं। जी जी हाँ, खून पी लिया इन्होंने। हाँ जी, ये लिपस्टिक लगा लिए। अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करते तमाम बहन भाई खैर खैरियत से होंगे, हाँ जी खुश होंगे और आबाद होंगे। साथ ही डस्टिंग की है। हाँ जी, आज 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 डस्टिंग भी कर दी है मेरे वहाँ से, ठीक है। तो बाकी मैंने कहा यहाँ से सारा समूटी समूटी करूँ। अच्छा, समेटा समूटी करूँ। हाँ हाँ, बट फिर ऐसा है कि लेकिन मैं फिर काम तो करना, हाँ घर का काम है काफी सारा, क्योंकि बच्चों को हमने भेज दिया हुआ और आज जुम्मा का दिन है। ठीक जी, और ये इस वक्त जम जाना, कभी अपने बाप को कहना मुझे गोद में रखो, क्योंकि किसी ने दो दिन से अपने पापा को देखा नहीं था। लड्डू यार, इसके मुंह पे नाखून किसने मारा है? नाखून नहीं चल पाई लड्डू। अच्छा जी बाबा, तो ये जी क्या कहते हैं लंच बॉक्स। हाँ जी दे जल्दी। तो जी मैडम इस वक्त से यहाँ से जो है ना सारी समेटा समेटी कर रही हैं। हैं जी, मुझे इतना सा ना कोई फटका सा लगा। अच्छा, इसके वो बंदे चीज़ें रख लेता है। कौन सी चीज़ें? छोटे मोटे डब्बे, ये वो सारा कुछ है यहाँ लगाने के लिए। हाँ जी, अब यहाँ फट्टा भी ला के दूँ तुम्हें, या कोई अलमारी शलमारी ला दूँ जो बाद में काम आ सके? अच्छे तो नहीं है, आपको मुझे ला के देंगे अलमारी? नहीं, वो अलमारी उस तरह की नहीं, वो एक कबर्ड बना हुआ नहीं होता जिस तरह, वो मिलेगा यहाँ से। अपना जाना पड़ेगा तुम्हें मेरे साथ वहाँ पे, बागे सैन से आगे वो नहीं है लकड़ी का लंडा बाजार। सरकार आप उसमें अपनी सेटिंग देखेंगे, है कि नहीं? है? ये बात भी है। तो जी यहाँ की हो रही है सफाई सारी, क्योंकि नाश्ते के बाद उस दिन मैं शीट लेने भी लगा था, आपने मना कर दिया था कि अभी नहीं ठहर जाओ। उस दिन मैं तकलीफ में थी बहुत ज़्यादा, इससे मुझसे कि मैं बैठा नहीं जाना था, मैंने इसीलिए मना किया। दोबारा उस साइड पे चक्कर नहीं लगा अभी तक? हाँ जी। और मेरा लड्डू बैठा हुआ है इस वक्त। लड्डू क्या कर रहे हो? अच्छा ऐसा ना करो, चूल्हा धो लेते हैं। क्या कर रहे हो? चूल्हा रख देते हैं, मैं चूल्हा धो लूं। अच्छा वहीं रहे, चूल्हा रख के धो लूं? यहाँ रख के धो लो, यहाँ धो लो, ये किचन में रख के धो लो, या बरामदे में धो लो ना, धोना तो है आज। मैं कमरे में रख के धो लूं? वो भी धो, वहाँ भी धुल सकता है। क्या हो गया तुम्हें? मैं कह रहा था कि यहाँ धोना है ना, इसलिए बरामदे को आओ। हैं? आज बरामदा और कमरा धोना है। मैं टाकी लगा ली ना तो सर? नहीं नहीं, टाकी नहीं लगानी आज, बरामदा भी और कमरा दोनों धोने। सर ये काम आप ही करोगे? सर मैं खुद कर लूँगा, आप ना कीजिएगा, मैं खुद कर लूँगा। मैं नहीं कर पाऊंगी ये। सीधी सी बात है, जान है तो जहान है, मुझ पे हिम्मत होती है बहन भैया काम की। हाँ जी मैं उतना काम में कर। ये लोशन भी उठाओ नीचे से ना। अब ये मुझे कहेगा पूरा घर धो, इतनी हिम्मत आज मुझ में तो नहीं है। अच्छा क्या नहीं पता था, जब मैं लगती हूँ ना धोने में करने में, फिर ये साथ भी नहीं देते। नहीं नहीं मैं ये ना, मुझे ना सुना मैंने धोना तो मैं कल ही पूरा घर में धो दिया। आज मुझे लग रहा है तुम्हारे पे भी किसी का असर पड़ गया। किसका लग रहा है? मुझे किसी की पहली बीवी का असर लग रहा है मुझे आज। आजकल उनकी भी ऐसी चपकलस चल रही है ना। अल्लाह, हमारी वैसे थोड़ी चलती है।
मैं तुमने बहन भाई को वैसे बता रही हूँ कि बहन भाई देखे मैं पूरा गर्म में धूप बैठ गया, ये पूरा सहन पूरा बरामदा अंदर से कमरा मेरे पागल कुत्ते ने काटा हुआ। नहीं 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 नहीं, अल्लाह माफ करे तुम्हें पागल, ओए होए वो काट लेता तो तुम काम में झाड़ू लगाने वाला, मैं झाड़ू लगा देखो अगर वो काट लेता ना तो वो बेचारे को कहाँ में जमा कराता फिरता। अच्छा यानी इसका मतलब चौदह इंजेक्शन मुझे नहीं लगने थे, कुत्ते को लगने थे। सही हो गया जी, कहने का मकसद ये है कि मैं पूरा घर अब धोऊं मैं। नहीं आपको तो किसने कहा है धो, मैंने क्या कहा है आपको कि मैं खुद धो लूंगा, मैं धो लेता हूँ उसे। पता है क्या बहन भाई, देखे झाड़ू बर्तन टाके बच्चे संभालना, फिर हांडी रोटी, फिर वीडियो वीडियो की एडिटिंग, फिर उसके बाद फिर शाम का खाना पकाना, ये वो सारा कपड़े धोना, ये सारा कुछ मेरे जिम्मे होते हैं। अब आज कह रहे फर्श भी धो लेते हैं ये नहीं सीधा कह मैं फर्श धो दूँ आपको, ये जी नहीं ऐसे मैं नहीं कह सकता, फर्श धोएंगे आप। आज फर्श धोएंगे हम ना, मैं तो सीधी सी बात, मैं कैमरा लेके खड़ी हूँ अपने बहन भाई को दिखाऊंगी। यही तो करो, ये करोगी ना, कैमरा लेके बस ठीक है, मेरी बेटी आ जाएगी हम कर लेंगे, तुम टेंशन ना लो। ये बात बेटी का तो मैं भी कर सकती। अच्छा वो तो कल मुझे पता क्या कह रही है, मामा जी मैंने कहा जी आप इतना थक जाती है, सुबह लगती है आपको रात हो जाती है इतनी देर तक, तो फिर क्या हो गया, हद हाँ करती है अपने घर का। नहीं मम्मा कल से आप एक काम किया करना, बर्तन तो आप रात को धो लेती हैं, सुबह नाश्ता वगैरह दो चार होता है, मैंने कहा जी बस चाय वाला होता है ये एक आधी को प्लेट होती है, मैंने कहा हाँ काफी देर हो आप ये धो के ना चाय लेके बैठ जाया करो, चाय नहीं पी अभी तक, चाय बनाते हैं चूल्हा साफ क्यों की। अच्छा अपने इसी काम के लिए किया मैंने, तो कहते हैं मम्मा जी आप ना ऐसा कर लिया कर देना ये सारा काम छोड़ दिया, झाड़ू टाकी वाला, मैंने कहा कि बस मैं जैसे क्या करूँगी मैं खरीद लिया करूँगी, मैंने कहा नहीं ये चीज है घर गंदा नहीं होना चाहिए, मैंने कहा मैं सफाई खुद करूँगी अपने पढ़ाई। ये रोटी का टुकड़ा भी उठा लेना यहाँ से, खुश्क हो गया रोटी का टुकड़ा वो सामने, हाँ वो उठा लेना वहाँ से, तो मैंने अंदर जमा किया मैंने, हाँ पता है सर मुझे आपने अंदर जमा किया मैं बेचने के लिए। अच्छा पहले मैंने कभी नहीं बेचे थे, जब काम वाली हमारे घर में होती थी ना काम करती थी वो ले जाया करती थी, बोतलें उगी होगी वो, ये अब कैक्षा जो है ना कैक्षा कैक्षा भेज देती है घर का प्लास्टिक टुकड़े हर चीज। कैक्षा कैक्षा कहती मैं मरी जो ना तुम किसी को। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो उठो उठो क्या काम करती है वो ना, बेच कर ना अपने गले में डालती, अपने गले में डालती है वो काम हमारे ही आते हैं उसके बेचारी के, कितने पैसे तुम खा गए कितनी दफा किसके कैक्षा के, कभी 5,000 कभी 8,000 कभी 7,000 कितनी दफा तो खा गए, उसके चाचू जो भी पैसे देते रहे मामू ये वो सारे इकट्ठे कर लिया, इसे क्या कह रहा है मुझे गोद में लो, कटिंग शटिंग का इंतजाम कर ले, कटिंग करवाऊं इसी कटिंग करवाएं। अच्छा अच्छी कह रहे चाचू इनका, मैं आऊंगा तो इसको पकड़ के बैठना मेरा काम, ठीक हो गया वो आएगा तो फिर पकड़ के बैठ जाएगा जी। ये बोतलें भर दो ताकि फ्रिज में काम आएंगी, फ्रिज में जो पहले पड़ी हैं वो तो निकाल लो, आज मैं अभी जाते हुए देर नहीं लगेगी। अच्छा नहीं बाबा ना ना नहीं बाबा जी बाबा बाबा लड्डू लड्डू क्या है चम्मच लेके खड़ा भाई इस वक्त है भाई चम्मच लेके खड़ा भाई, चले ठीक है आप ये कर लें और मैं देख लूँ ज़रा टाइम, बच्चों के आने का टाइम तो नहीं हो गया, क्योंकि मैं अगर काम में लग गया ना फिर बीच में बच्चों का टाइम हो गया ना फिर काम गड़बड़ हो गया। हाँ जी बच्चे लेने जा रहे हैं। जाए जी मैं तो लेटी हूँ। ठीक है जूस लेके आए हो जी। वाह जी बड़ी बात है जी जूस लेके आए हो। आज पैसे नहीं दिए थे मैंने।
नूर फातिमा को पिलाना थोड़ा सा, ठीक है? पापा को पता नहीं था कि नूर फातिमा भी घर आई है तो पापा ले आते हैं, सही? क्या ये लड़ने लग गया? मम्मा मुझे नहीं लेके दिया है? ये मेरा है, ये मेरा है। आपका कहाँ से आया ये? अच्छा बेटी इधर जो है ना पानी फेंक रही है, बाप फर्श धो रहे हैं। मैं लगे रहो फिर, मैं झाड़ू डाकी तो कर सकती थी, मैंने कहा मेरे से ये काम नहीं होना। हाँ जी वो भी आ गया पानी ले, पानी फेंकने के लिए आया। अच्छा धूप कितनी तेज है आज, चले धो लें, ऐसे धुल जाएगा सारा, ये कि ठंडा हो जाएगा है ना, ठंडा तो हो जाएगा। मैं भी तो अम्मा जब कमरे में से लगा रही हैं वाइपर। हाँ जी मैंने कहा चले साथ दे ही दो। मैंने क्या कहा? बड़ी चीखें निकलती है अभी, बड़ी चीखें निकलती है इसकी। किड्डा सा दौलत गए पर जैसे बड़ी है। नहीं यार गंदा बहुत है ये। अच्छा 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 ये मुझे उसकी नहीं है, इसकी है। उसे पकड़ ले रही है उसने पाइप। चलो तो कैमरा ना करना क्योंकि पहले भी दो वीडियो ने ऐसे रिमूव हो गई है इसकी वजह से। जनाब अब सैन धोना है? हाँ जी धोलो। मुकम्मल सैन धुलेगा? हाँ मुकम्मल। मैं बल्कि वहाँ से पहले बकरी की सफाई कर लूँ सारी। चाय बनाओ, मैं पहले चाय बना लो। तो जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मस्जिद से बहुत प्यारी प्यारी सदाएं आ रही हैं। इस वक्त नात पढ़ी जा रही है, शहनशाह भाई पढ़ रहे हैं नमाज, वो नात सॉरी, और मैडम यह बना रही हैं क्या? पराठे। केड़े पराठे? पराठे। अच्छा पराठे, मेरी बकरी की रोटी बना लेना एक है। रात नहीं बनी थी क्या? बनी थी लेकिन बगैर घी के दिए रात, क्योंकि सूख गई थी ना इसलिए। है? बांधना चाहिए होता है, मैंने कहा आपको और कुछ नहीं। नहीं मैंने कहा रात के एक्शन है, खिलाई है उसे। कैसे सूख गई? सूखी? ओए हाय सूखी नहीं थी। अच्छा वो खुश्क रोटी थी, मतलब जिस तरह की कि बेत बंदा कितना कर करता था होता है वो लगा हुआ होता है एंड में आके उसको बजाए जो उनसे ना उसकी तारीफ करने के लिए उसका नाम नहीं डालना। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। लग रहा है मुझे तुम्हारे पे असर पड़ गया उनका। मुझे लग रहा है बकरी की बात है, सूख गई थी रोटी भी, रोटी कैसे सूख गई? सूख ओए हो सूखी किसने कही है यार? मैंने उसे कहा कि वो खुश्क रोटी दी है, सूखी रोटी कहाँ दी है उसे? कमाल करती हो, हमेशा तुम खुद ही देती हो बना के, उसकी ऊपर घी लगा के चूरी बना के। पराठा एक बन चुका और तो बनना भी, कपड़े वगैरह प्रेस करने के लिए नमाज अदा करने जाना है खुद हमने भी। नहीं मुझे बहन भाई का गुस्सा इसलिए आया है कि क्योंकि मुझे पता हो ना कि यहाँ पे एक रोटी कैसे बनानी है। कभी वो ऊपर घी लगा दें, कभी दरम्यान में बस घी की डाल दें ऊपर नहीं लगाना, कभी रोटी को चूर सादा रोटी बना के उसको चूर के घी डाल दें। मेरी समझ से भाई इंसान को पता भी अभी एक चीज़ ये वही बात हुई ना कि शोर ने बीवी को मारा तो उसने कहा कि कैक्षा को भी पता है कैसे दी जाती है। वो लड़ाई झगड़ा रहता था, वो क्या लड़ने लगे जी क्या बात हुई जी? उन्हें कहा जी सालन ऐसे पकता है, मैंने तो ये नहीं खाना था। अंडा बना दिया बीवी ने, मैंने कहा जी अंडा ऐसे बनता था बनना था, उन्होंने कहा क्यों क्या हुआ? नहीं ये तो इसे फ्राई करके बना दो। अगले दिन शोर घर में आया, उसने कहा हर चीज़ पर इसकी लड़ाई हो रही होती है,
बीवी ने अगले दिन फिर अंडा बना दिया। फिर जब उसने अंडा बनाया तो कहते हैं ये क्या, कहने लगी मैंने हाफ फ्राई अंडा बना दिया। फ्राई अंडा बनाना था, आपने हाई फ्राई क्यों बनाया? तो उसने सोदी कल आपने कहा था कि मैं हाफ फ्राई खाता हूँ। नहीं, आज मेरा दिन उस पर था। अगले दिन बेगम ने क्या काम किया, दो अंडे बनाए, एक हाफ फ्राई बना दिए, एक फ्राई बना दिया। फिर बीवी को फिर मार पड़ी, पहले भी उसको दो दिन मार पड़ती थी। तीसरी दफा जब उसको मार पड़ी ना, उसने कहा आज अल्लाह के बंदे मुझे क्यों मारा? उसने कहा कि मैंने तुझे इसलिए मारा है कि जो अंडा फ्राई करना था ना, उसको आपने ये हाफ फ्राई कर दिया, जिसको फुल फ्राई करना था उसको आपने हाफ फ्राई कर दिया। इस तरीके को उसने कहा क्या सिर्फ जो ना अब मौका चाहिए होता जिन्होंने मौका ढूंढ लो। और अब मैं वो मुझे भी पता है कि वो कैसे बनती है कैसे नहीं बनती। तो ये रोटियाँ हमारी बारी पर तैयार है जनाब, चाय रख लो बनने के लिए साइड पे। उसने छोटे ने किया हुआ तंग अपने पापा को। आप पता है क्यों उतना तंग कर, उसकी तबीयत खराब है। तबीयत खराब वो कहना मुझे पाइप दो, मैं पूरे घर में लेके घूमू पूरे। इधर से तो धोया है ना अभी इसलिए। अच्छा आटा मैंने यहाँ रख दिया, मैंने एक साइड पर इधर ना चाय रखती है। पापा से क्या मम्मा कह रही है दूध खा के ना अंदर रख दो। इधर बन रही है चाय और मम्मा जी ने पराठा बना लिया, तो इधर धो रहे पापा जी से चाय। हाँ जी मैंने गलती हो गई थी बहुत ज़्यादा ना, इसलिए मैंने कहा चलो धो दूँ आज कमरा भी जो है मैंने इसीलिए धो दिया। और मम्मी का भी टाइम बड़ा नज़दीक आ रहा है और यहाँ का फर्श भी धो रहा है, तो आप ज़रा ठीक है मट्टी निकल गई ना सारी थी। जी वो भी आ गया। कौन आ गया? फुजैल। इसको इधर नहीं आने देना, गीले में आएगा। अभी इसके कपड़े बदले मैंने, वो जो कपड़े गीले किए थे ना इसने, मैंने कहा कुछ कपड़े पहना दूं इसे, जुकाम होगा पहले, तो मैंने कहा कुछ कपड़े हो जाएंगे ना तो जुकाम नहीं होगा बुखार नहीं होगा। माशाल्लाह खुदम जनसैना कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं और जुम्मा नमाज अदा करके आ गया। हाँ जी उन मोहम्मद ये क्या खा रहे हो? चॉकलेट। चॉकलेट मुझे भी दे दो, मैं तो वैसे बी पी आई हूँ वाला है ना। कंगी नहीं की सर में? नहीं नहीं की, पता नहीं क्या बात है कैमरा बला धो रहा है। अच्छा जी चटाई खुद हमने एक धोई है दूसरी नहीं धोई, पता क्या ये आधा काम करते आधा नहीं करते, समर से भाई दें। और यहाँ पे प्यारे प्यारे से हमारे फूल जो उनसे हैं ना वो भी खिल रहे हैं, और अभी तो दोपहर का टाइम है